दोस्तों मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी ज़ोन में इस वीडियो में हम चैप्टर वन का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं ओलिवर फाइंड्स अ होम ये चैप्टर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन मिसेस मार्ली एंड रोज वर् ए वेटिंग फॉर द पुलिस टू अराइव क्या वे लोग पुलिस का वेट कर रहे थे Having a grand party. वे लोग एक बड़ी सी पार्टी कर रहे थे सी ऑप्शन है वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू अराइव या फिर डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे ऑप्शन uh, डी है डिस्कसिंग एंड इंटरेस्टिंग बुक या फिर किसी बुक uh, को डिस्कश कर रहे थे तो हमारा आंसर है सी वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू अराइव वे लोग डॉक्टर का वेट कर रहे थे डॉक्टर डॉक्टर आस्क फॉर जब आए थे तो उन्होंने क्या मंगाया था किन किन चीजों को लाने के लिए कहा था सम मेडिसिन कुछ दवाएं लाने के को बोला था उन्होंने या फिर सम टी एंड पाई या फिर कुछ चाय या फिर कुछ खाने को मांगा था सम वॉर्म वाटर एंड क्लीन सीट्स या फिर कुछ थोड़ा गर्म पानी और कुछ साफ सुथरे कपड़े मांगे थे और डी ऑप्शन है सम क्लीन टाल्स या फिर कुछ साफ तौलिया मांगी थी उन्होंने तो डॉक्टर जो थे उन्होंने थोड़ा गर्म पानी और साफ सुथरे कपड़े लाने को बोले थे इसलिए हमारा आंसर जो है वो है सी थर्ड है मिसेस रोज़ ऑप्शन है ए वर एंग्री विद ऑलिवर क्या वे लोग ऑलिवर पे गुस्सा थे ऑप्शन बी है फेल्ट सॉरी फॉर ऑलिवर क्या उन्हें ऑलिवर uh, uh, के लिए बुरा लग रहा था सी डिसाइडेड टू हैंड ओलिवर ओवर टू द पुलिस या फिर उन्होंने सोच लिया था कि वे लोग ऑलिवर को पुलिस को दे देंगे ऑप्शन डी है वांटेड टू सेंड ऑलिवर टू एन ऑर्फेनेज या फिर वे लोग ऑलिवर को अनाथालय भेजना चाहते थे सो मिसेस एंड रोज फेल्ट सॉरी फॉर ऑलिवर मिसेस मार्ली और रोज uh, को ऑलिवर के लिए बुरा लग रहा था तो हमारा आंसर है बी फेल्ट सॉरी फॉर ऑलिवर आंसर दीज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वर मिसिज मार्ली एंड रोज वर एस्टोनाइज टू सी ऑलिवर मिसेस मार्ली और रोज वो ऑलिवर को देख के आश्चर्यचकित क्यों थे को देख के आश्चर्यचकित इसलिए थे क्योंकि ऑलिवर एक छोटा बच्चा था जो की चोर नहीं हो सकता है सेकेंड क्वेश्चन है वट डिड ऑलिवर टेल द लेडीज अबाउट हिमसेल्फ ओलिवर ने अपने बारे में जो औरतें थी उनको क्या बताया था ओलिवर टोल्ड द लेडीज दैट द दिप्स वांटेड हिम टू डू ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स दे वांटेड टू रॉब देयर हाउस एंड लेफ्ट हिम देयर ओलिवर ने बताया कि जो चोर थे वो लोग चाहते थे कि ओलिवर हर तरह का गंदा काम करे और वो लोग इनके घर को लूटना चाहते थे और ओलिवर को यहीं पे घायल छोड़ दिया था उन्होंने थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द टू लेडीज फील अपॉन हियरिंग ऑलिवर स्टोरीज तो ओलिवर की जो कहानी थी वो सुनने के बाद वो जो दोनों औरतें थी उन्हें कैसा महसूस हुआ The ladies were moved by the story of the Oliver's unhappy life, and they felt sorry for Oliver. जो औरतें थी उनको ओलिवर का स्टोरी सुन के ओलिवर की कहानी सुन के बहुत बुरा लगा था और वो उन उसके दुखी जीवन की कहानी से उनका दिल पिघल गया और उन्हें ओलिवर के बारे ओलिवर के लिए बहुत बुरा लग रहा था फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द सर्वेंट्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग ओलिवर व्हेन द पुलिस केम फॉर इंक्वायरी तो जब पुलिस इंक्वायरी के लिए आई छानबीन करने के लिए आई तो जो नौकर थे उन्होंने कैसे मदद किया ओलिवर को बचाने में द सर्वेंट्स टोल्ड द पुलिस जो नौकर थे उन्होंने पुलिस को बताया दैट द रॉबर्स वर टू इविल लुकिंग मैन जो डाकू जो थे वो दो बुरे दिखने वाले इंसान थे एंड लिटिल ओलिवर हैड वांडेड हिमसेल्फ अर्लियर वाइल वाइल प्लेइंग और छोटे ओलिवर ने अपने आप को पहले ही घायल कर लिया था खेलते समय सी है थिंक एंड आंसर डू यू एग्री दैट ओलिवर फाउंड परफेक्ट हैप्पीनेस विथ मिसेस मार्ली एंड रोज Give reasons. क्या आप सहमत है कि ऑलिवर जो है वो मिसेज मार्ली और टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम हाँ क्योंकि ऑलिवर जो है मिसिस मार्ली और रोज के साथ बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मिसिस मार्ली और ऑलि रोज ओलिवर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें जय हिंद जय भारत